YouTube अपने क्रिएटर्स को हर बार कमाई के नए नए मौके देता रहता है, और इस बार भी YouTube ने कमाई का फिर एक बढ़िया मौका दिया है। और अगर आप अच्छे क्रिएटर्स हैं तो आपके लिए इस बार कमाई का मौका बहुत अच्छा है। तो क्या है मौका, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक धर्म पर। दोस्तों, नया नया चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और दोस्तों, अब मैं आपसे एक वादा करता हूं कि मेरी वीडियो कभी आपको लंबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मुख्य बातें होती हैं वो शॉर्ट में बताई जा सकती हैं, और मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। आजकल वैसे भी शॉर्ट वीडियो का ज़माना चल रहा है, तो शॉर्ट में ही बताऊँगा। तो आपको बता दूं दोस्तों कि YouTube ने जो है अपने क्रिएटर्स की कमाई बढ़ाने का फिर से निर्णय लिया है। पहले क्या होता था कि 10 मिनट की वीडियो होती थी, तो उसके बीच में हमें अपना लैपटॉप खोल के या डेस्कटॉप साइट पे जाके तब जाके उसको सिलेक्ट करना पड़ता था कि हम कितनी ऐड लगाना चाहते हैं। लेकिन YouTube ने इस बार जो नया अपडेट दिया है, जो कल परसों ही आया, आपको भी मेल आ गई होगी, तो उसके बीच में YouTube ने ये बताया है कि अगर आप 8 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक उसके बीच में जो है वो ऐड रन होने लगेगी। तो ये हमारे क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप में क्रिएटिविटी है तो दिखाइएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं तो आप 8-10 मिनट की वीडियो बनाते ही होंगे पहले भी। अगर आप नहीं बनाते और आपका कंटेंट अच्छा है तो आप 8-10 मिनट की वीडियो बनाइए। उसके बीच में पहले आपको मैनुअली ऐड लगानी पड़ती थी, लेकिन अब YouTube खुद उसके बीच में ऐड सपोर्ट करेगा और उस ऐड का बेनिफिट आपको लगातार मिलता जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के बीच में ऐड चलेगी, उसके बाद बीच में ऐड चलेगी, और उसके बाद लास्ट में ऐड चलेगी, तो आपको उसका रेवेन्यू अधिक मिलेगा।